दोस्तों भारत के सबसे अहम प्रोजेक्ट और सबसे खूंखार हथियार को लेके बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है और इस खबर ने जिस प्रकार हमें हैरान किया है उसी प्रकार आपको भी हैरानी होगी। बात कर रहे हैं भारत के सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी कि तेजस मार्क टू फाइटर जेट को लेके, और तेजस मार्क टू फाइटर जेट को लेके एक चौंकाने वाली खबर आप लोगों को मैं इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, शुरुआत में हम लोगों को यही बताया जाता था कि तेजस मार्क टू फाइटर जेट के कम से कम 4 से 5 प्रोटोटाइप बनेंगे और जो भी प्रोटोटाइप बेहतर होगा उसी तरीके का तेजस मार्क टू फाइटर जेट तैयार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे खबर ये निकल के आ रही है कि भारत सिर्फ 4 साल के अंदर तेजस मार्क टू फाइटर जेट को तैयार कर भारतीय सेना में शामिल कर देगा। अब काफी चौंकाने वाली खबर है और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ। दोस्तों ऐसा पॉसिबल हुआ है और इसे अगर देखा जाएगा तो भारत 4 साल के अंदर अपना तेजस मार्क टू फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लेगा। अब कैसे, सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं बता दूं, तेजस मार्क टू फाइटर जेट में जो सबसे कठिन टेक्नोलॉजी है उन्हें भारत को बनाने की जरूरत नहीं। जैसे कि इंजन भारत अमेरिका से खरीद रहा है। इस फाइटर जेट में जो सीट लगेगी वो यूके के मार्टिन वेकन से खरीदी जा रही है। ऐसे में दोस्तों हमें इंजन और सीट को जांचने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी का इंजन और बेस्ट क्वालिटी की सीटें हैं। बात दोस्तों बात ये आती है कि हमें तेजस मार्क टू फाइटर जेट में जैसे कुछ अहम टेक्नोलॉजी है, रेडार वार्निंग रिसीवर, ऐसे रेडार सिस्टम, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम, ये सभी भारत ने पहले ही बनाकर इनके सारे ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं। अब ऐसे में भारत ने अपनी सारी मेन टेक्नोलॉजी जो कि तेजस मार्क टू फाइटर जेट में लगेंगी उनका सभी का पहले से ही परीक्षण कर लिया है, पहले से ही टेस्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अब भारत को इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे 4 साल का वक्त क्यों लिया गया है, तो देखिए दोस्तों भारत डायनेमिक लिमिटेड और HAL के द्वारा एक अहम टेक्नोलॉजी अभी बनाई जा रही है, नाम है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक डिवाइस। अब ऐसे में दोस्तों इसका टेस्ट होना अभी बाकी है, कम से कम अभी 2 साल इस डिवाइस को बनने में लगेंगे। उसके बाद दोस्तों कम से कम 2 साल भारत के तेजस मार्क टू फाइटर जेट की सारी फ्लाइट का टेस्ट होगा, कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से, उसके बाद इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है कि 4 साल में भारत क्या सच में तेजस मार्क टू फाइटर जेट को तैयार कर लेगा? वहीं पे हमें इंजन भी लगभग 1 दर्जन की मात्रा में मिल चुके हैं, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप ये राय जरूर दीजिएगा क्या सच में भारत 4 साल के अंदर तेजस मार्क टू फाइटर जेट को तैयार कर भारतीय सेना को सौंप देगा या फिर नहीं। तो दोस्तों चलते चलते बस आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।